आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चार चुनावी राज्यों में जीत के बाद कल होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक, लोकसभा राज्यसभा सांसदों को मौजूद रहने का आदेश। 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का शुरू होगा टीकाकरण, 60 को मिलेगी प्रिकॉशन डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना से मौत पर मुआवजे के झूठे दावे पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी हार को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले बैलेट से हमें ज्यादा वोट मिले लेकिन ईवीएम में हुआ खेल। मथुरा में होली का उल्लास हुआ शुरू, धूमधाम से मनाई गई रंग भरी एकादशी, मंदिरों में दिखा श्रद्धालुओं का हुजूर। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों का। अयोध्या में रंग भरी एकादशी पर इस बार खास होली मनाई जा रही है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। इसको लेकर अयोध्या के साधु संतों में खुशी व्याप्त है और इसी खुशी का इजहार करने के लिए इस बार की होली बेहद उत्साह के साथ खेली जा रही है, जिसकी शुरुआत राम की अयोध्या नगरी में प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पर नागा साधु भगवा का होली खेलते हुए दिखे और हनुमानगढ़ी का निशाना लेकर शोभा यात्रा के रूप में विभिन्न मंदिरों तक पहुंचकर संत महंतों और साधु की टोलियों को रंगों से रंग कर गले लगा रहे हैं। आज अपार उत्साह है, आज रंग भरी एकादशी है, आज से हम लोग जो है हनुमान जी निशान के रूप में प्रतीक रूप में हनुमान जी महाराज की पूजा आरती करने के बाद निकले हैं, पंचकोसी परिक्रमा करेंगे, पंचकोसी के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख मंदिरों में हनुमान जी को ले चलेंगे, पूजा आरती वहाँ के पूज्य संत करेंगे, हनुमान जी महाराज को गुलाल लगाएंगे, उसके बाद हनुमान जी ठाकुर जी को गुलाल लगाएंगे। और अपार उत्साह इस बार और भी है, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति की सरकार, हिंदुत्व की सरकार इस बार पुनः उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन ने एक पूज्य संत को पुनः मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया है, इसके नाते साधु। खबर आगरा से है, जहां कलेक्ट्रेट चौराहे पर अचानक पहुंचे कुछ लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी 12 साल की बच्ची के साथ बीते दिन बलात्कार किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में लापरवाही बरती। दरअसल ये पूरा मामला थाना मंटोला क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं आक्रोशित भीड़ के प्रदर्शन के कारण आगरा MG रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसमें आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कत हुई। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को आगरा MG रोड कलेक्ट्रेट चौराहे से हटा दिया गया। आक्रोशित लोगों से पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई। गई थी 4 बजे, मुंह बंद करके अंदर ले गया है, वहां के बाहर में बंद कर दिया है। मेहतर लोग हैं, मेहतर नाम जानती हैं? नाम कहा? मोनू नाम है उसका, मोनू नाम है। कल 4 बजे की, कल 4 बजे नाले में, मंटोले में, थाने गांव में, लैट्रिन में, लैट्रिन की बात है। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस नहीं कर रही है। विधानसभा चुनाव की मतगणना के एक दिन पहले सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चेक करना भारी पड़ रहा है। पुलिस ने अब सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुरानी बस्ती थाना पर 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें लगभग 100 लोगों पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मतगणना से एक दिन पहले 9 मार्च को बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मंडी समिति पर जमा हुए थे। मंडी समिति के गेट पर बिना इसी को चेक किए मतगणना स्थल तक जाने नहीं दे रहे थे। वही मामले को लेकर SP आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सपा नेताओं द्वारा अनैतिक रूप से सरकारी गाड़ियों को चेक कर रहे थे। प्रेक्षक समेत SDM की गाड़ी चेक की गई थी, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। पार्टी के 4 विधायक यहां से चुनाव जीते हैं, तब से लगातार पूरे जिले में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, फर्जी मुकदमे लगा करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी विषय में हम लोग DM साहब से मिल रहे हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? DM साहब से हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे नेताओं का कार्यकर्ताओं का फर्जी मुकदमे लगा करके उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बंद हो, नहीं बंद होगा
तो हम लोग अपने हिसाब से सड़क से लेकर सदन की लड़ाई करने का काम करेंगे। ये 9 तारीख को मतगणना स्थल पर जो भी सरकारी गाड़ियां जा रही थी, जिसमें संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर थे और जो अन्य उच्चाधिकारी थे, उनकी गाड़ियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनैतिक रूप से चेक की जा रही थी, जिसके संबंध में थाना पुरानी बस्ती पर 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जो संबंधित अधिकारियों के साथ में जो भी व्यक्ति कर्मचारी थे उनके द्वारा लिखाए गए हैं। इन अलग अलग मुकदमों में लगभग एक ही बात लिखी है और इनमें 7 CLA एक्ट और 307 की धारा लगी हुई है, सरकारी कार्य में बाधा डालने की धारा लगी हुई है। इनमें कुछ व्यक्ति ज्ञात, करीब 6-7 ज्ञात और करीब 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मंडावर के रहने वाले एक युवक की सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव भटपुरवा में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि फतेहपुर पुलिस ने आरोपित परिवार को बचाते हुए उनके मृतक युवक का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया, उन्होंने हरिद्वार में ही पोस्टमार्टम कराया है। आरोप है कि जिस लड़की ने युवक को फोन करके बुलाया था, उससे पूछताछ तक नहीं की गई। सोमवार को पीड़ित ने SSP से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। मृतक युवक के स्वजन का कहना है कि युवक की पीट पीट कर हत्या की गई है। भटपुरा में एक जो ये लड़का था, ये भगवानपुर का रहने वाला है और यहाँ इसके एक युवती से प्रेम संबंध बताए गए, जिससे मिलने के लिए ये 12 तारीख की रात को आया था, जो कि अभी प्रारंभिक जांच में पता चला है। और वहाँ पर इसने जो है शुद्ध होकर जहर का सेवन किया, जिसमें इसको इलाज के लिए वहाँ भगवानपुर ये लोग छोड़ आए थे। वहाँ पर इसका मेडिकल अभी PM हो रहा है और उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा ये थाना फतेहपुर पे इन लोगों के खिलाफ 306 में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकल के आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई। खबर देवरिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार होली पर्व को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान नदी के किनारे शराब बनाने वाली 20 भट्टियों को नष्ट किया गया और साथ ही नदी की कछारी क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं इस मौके पर थाना अध्यक्ष उप निरीक्षक दिनेश मौर्य के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। फतेहपुर में स्टेट हाईवे पर एक ढाबे के पास नई दिल्ली से मॉल रोड तक आ रहे ट्रक ने सवारियों से भरी विक्रम को टक्कर मार दी है, जिसमें कई सवारियां घायल हो गई हैं। ट्रक कंटेनर और टेम्पो दोनों जहानाबाद की तरफ से आ रहे थे। बकेवर कस्बे स्थित एक ढाबे के सामने कई सवारियों से भरी विक्रम में पीछे से टक्कर मारते हुए भाग खड़ा हुआ। ट्रक चालक और ट्रक कंटेनर को बकेवर थाने में पकड़ लिया गया है। पुलिस ने सवारियों को इलाज के लिए घर भेज दिया है। खबर का 9 से है, जहां एक बाइक सवार के बैग से रुपए की गाड़ियां गिरती दिखाई दी, जिसके चलते ऑटो चालक ने बाइक सवार का काफी दूर तक पीछा किया पर बाइक सवार नहीं रुका। उसके बाद ऑटो चालक ने नोटों की गाड़ियों को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि एक चालक ने काफी देर तक पीछा करने की कोशिश की गाड़ी का, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो उसने पुलिस के हवाले कर दिया। एक बैग लेके आदमी जा रहा था, बंदा उसके बैग की चेन खुली थी और उसमें से 2 गड्डी गिरी। फिर वो किसे मिली थी? एक मेरे को मिली, एक बाइक वाले को मिली। हमने चौकी में दे दिए। एक गड्डी 50,000 की मांग ली थी। कई गड्डी थी? 10 गड्डी, 100-100 वाली। 100-100 नोटों की? 1,00,000 होगा तो। 100-100 नोट वाली कई गड्डी मिली? यानी कि एक बंडल ही है पूरा, 10 गड्डी होगा। 10 गड्डी होगा तो आपने पुलिस को सौंप दी? हाँ जी, आप ही के सामने सौंपा सर। रायबरेली में पुलिस की लचर कार्यशैली से अराजक तत्वों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। हालात अब इस कदर है कि पुलिस अराजक तत्वों पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। ताजा मामला महाराजगंज के खेरवा गांव में स्थित रामपाल सिंह इंटर कॉलेज से सामने आया है। आज अराजक तत्वों ने स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ की। वहीं स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ करने का वीडियो CCTV में कैद हो गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महाराजगंज थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस मामले पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। मेरे विद्यालय में बहुत तोड़फोड़ करवाई गई है, जो कि नाबालिग बच्चों के द्वारा हुई है और इस मैटर को पूरी तरह से CCTV कैमरे में कैद किया गया है, जिसकी एप्लीकेशन, जिसकी दरखास्त मैं महाराजगंज थाने में भी दे चुकी हूँ। 26 तारीख की ये घटना है।
और ये पता है कि वो बच्चे कौन हैं, किसके द्वारा ये घटना हुई है। काफ़ी पहले भी मुझको इसी तरीके से परेशान किया गया, जिसकी वजह से मैंने सीसीटीवी कैमरा स्कूल में लगवाया ताकि मुझे पता चल सके कि कौन लोग इस तरह का कृत्य मेरे विद्यालय में करते हैं। सहारनपुर में थाना सरसावा क्षेत्र के सौराना गांव में लगे पूर्व आयुष मंत्री पूर्व यूपी सरकार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के शिलापट को युवकों ने हथौड़े से तोड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछली बार भाजपा सरकार में आयुष मंत्री रह चुके डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने इस बार 2022 में सपा पार्टी ज्वाइन कर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें शिकस्त हासिल हुई थी। वायरल वीडियो के आधार पर एसएसपी ने सरसावा पुलिस को मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। ये थाना सरसावा में गांव पड़ता है सुराना। सुराना क्षेत्र में एक अभी सुबह वहां का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति और एक या दो व्यक्ति करीब हैं उसमें जो दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक आइडेंटिफाई हुआ है। इन लोगों के द्वारा एक शिलापट तोड़ते हुए वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, और इस वीडियो में जो ये पता चल रहा है कि ये एक जो वहाँ की योजनाएं थी उसका शिलापट था वो, और उसको तोड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो वीडियो है ये सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है, तो इस पर तत्काल हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत करा दिया है और गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। होली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य विभाग एक्शन मोड में दिखाई दिया। इसी के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने कई टीम बनाकर रोडवेज बस स्टेशन पर, जहां एक बस से 2 क्विंटल खोया उतार कर कुछ लोग भागते दिखाई दिए, जिसके बाद टीम ने 2 क्विंटल खोया बरामद किया, लेकिन उसका कोई दावेदार नहीं आया। फिलहाल खाद्य विभाग ने मिले खोए को नमूने के जाँच के लिए भेज दिया है। हम लोग विगत एक हफ्ते से लगातार रोडवेज और रेलवे स्टेशन पर निगरानी कर रहे थे। 3 टीमें बनी थी, एक टीम 2 बजे से रात में लगती थी, ऐसे करके। तो आज जो है अब तक नहीं मिला, लेकिन आज एक बस उतार के लगभग 2 क्विंटल खोआ तुरंत उतार के भागी। तब तक हमारा टीम का साथ पहुंचा, लेकिन बस भाग चुकी थी। उसको फिर सुरक्षित अभिक्षा में लेकर हम लोग पहले पता किया किसका है, तो कोई उसका दावेदार नहीं आया, तो उसको लेकर उसको हम लोग, क्योंकि 2 बोरी खोआ उसमें एकदम महक चुका था, खराब था, तो उसको नष्ट कर दिया गया और 2 कहीं फ्रीजर में। खबर गाजियाबाद से है, जहां इंदिरापुरम थाना इलाके में बहुमंजिला इमारत से एक युवक जमीन पर गिर गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और मृतक की शिनाख्त में जुट गई। मेरा नाम मिस्टर राशु कुमार, सिक्योरिटी सुपरवाइजर। क्या हुआ था, आपने क्या देखा यहाँ? सर एक्चुअली मेरी ड्यूटी गेट पे थी, मैं गेट पे खड़ा हुआ था, तो यहाँ से एक धोबी गया था मेरे साथ में, यहाँ से धोबी गया था भागते हुए, तो धोबी ने मुझे बताया था कि ऊपर से कोई नीचे गिर गया है। उस समय भाग के आया, भाग के मैंने देखा तो यहाँ पूरी तरह से वो गिर गया, वो पेट वेट उसका पूरा फट गया, मुँह भी फट गया, पहचान नहीं हो पा रही है सर। और पुलिस फिर मैंने उम्र 25 से 35 साल की लपेट में होगी सर। अच्छा, तो अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हो पाया? कंफर्म नहीं हो, पुलिस वाले भी जानकारी कर रहे हैं। अच्छा। और हम भी साथ में कर रहे हैं, तो देखो पुलिस मौके पे पहुंची तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हाँ, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। जनपद मानपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के नवाटेड़ा गांव में स्वास्थ्य केंद्र पर एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह मृतक की पहचान नवाटेड़ा स्वास्थ्य केंद्र के डिलीवरी वार्ड में राजेश के रूप में की गई है, जो कि अस्पताल में सफाई वगैरह का काम करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने मृतक की प्रेमिका पर हत्या करने का आरोप लगाया है। काम करने के लिए गए थे ना, तो वहाँ से हमें फ़ोन मतलब हमारे भाई के पास आया था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे से बात हो गई है कि डेड बॉडी है वहाँ पे, जो ख़त्म हो गई है, तुम घर पे आ जाओ। तब मैं घर पे आया हूँ तो पता चला, यहाँ देख रहा हूँ तो लाश पड़ी हुई है। साफ़ सफाई काम करते थे, और जो एक मुन्नी देवी नाम से थी वो इनके साथ में रहती थी, और कल भी थी यहाँ पर रात में, उसके बाद जो है वो यहाँ से रास्ते ही गायब हो गई है वो भी।
अलीगढ़ के शिया समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में हुए हमले और 50 से अधिक शिया समुदाय के लोगों को मारे जाने पर विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। एसीएम द्वितीय का पाकिस्तान के राजदूत के नाम ज्ञापन सौंपकर पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की। एसीएम द्वितीय ने ज्ञापन को उचित माध्यम से पाकिस्तान दूतावास तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। ये अलीगढ़ के निवासियों ने पाकिस्तान के पेशावर शहर में भी कुछ दिन पहले एक विस्फोट हुआ है मस्जिद में, जिसमें कुछ शिया मुसलमानों की मृत्यु हो गई थी। उसी संबंध में राजदूत को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। ये पाकिस्तानी उच्चायोग को द्वारा जिलाधिकारी इसको यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही पहुंचा दिया जाएगा। खबर अमेठी से है, जहां पर बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से संविदा कर्मी लाइनमैन की जान चली गई। दरअसल विद्युत के पोल पर चढ़कर लाइनमैन काम कर रहा था, जिसके बाद अधिकारियों ने बिना जानकारी के विद्युत सप्लाई चालू कर दी और संविदा कर्मी का बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जायस थाना के विद्युत उपकेंद्र जायस क्षेत्र के बेहटा मुर्तजा का है। सर, इनके साथ ऐसा हादसा एक बार पहले किया गया था, जानबूझकर किया गया था। उस बार जो है बच गए थे, इनका दवा इलाज कराए थे मुंशीगंज हॉस्पिटल में जी। उसी आदमी के द्वारा आज भी इनका एक्सीडेंट किया गया है, जो कि सिट डाउन लेकर के खंभे पे चढ़े थे, लाइन को जोड़ नहीं पाए थे कि उधर से लाइन दे दिया गया। मेरे भाई जी को लाइन से टक्कर हुआ, भाई हमारा नीचे आ गया, उनकी मृत्यु हो गई। बांदा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग की टीम ने दूध और दूध उत्पादों की सैंपलिंग की, जहां दूध, पनीर, खोया सहित तमाम दूध उत्पादों के खाद्य विभाग की टीम ने नमूने लिए। और त्योहारी सीजन के चलते दूध पदार्थों में भारी मात्रा में मिलावट होती है, जिसको लेकर अभी से मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं जांच के बाद मिलावट पाए जाने पर विक्रेताओं पर जुर्माना सहित दंडात्मक कार्रवाई होगी। बता दें कि बांदा शहर में अभियान चलाया गया है। होली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ताओं को शुद्ध दुग्ध पदार्थ, दुग्ध, घी, पनीर, खोया, मिठाई आदि मिले, इसके लिए सैंपलिंग का अभियान चला जा रहा है। खोए के, दूध के, पनीर के और अन्य दुग्ध उत्पादों की व्यापक स्तर पर जांच की जा रही है, जैसे सभी का होली का पर्व जो है सकुशल संपन्न हो, किसी प्रकार का खाद्य में अपमिश्रण न हो। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।